मैं देख रही तेरे को, रुक जा, ये क्या कर रही है? ओ ये मुंह देखो, मुंह देखो बंदर, ये मम्मी हमें कुछ है, देखो मट्टी, देखो कैसे मिट्टी फैलाई, देखो देखो उसको, देखो ए अब मैं मुझे पैर गंदे करके फैल अपना मुंह दिखा, मुंह दिखा अपना मुंह दिखा, मुंह दिखा पहले सबको, मुंह दिखा, दिखा अपना मुंह, ये है तेरा मुंह, क्यों ये तेरा मुंह है, ये तेरा मुंह क्या है इसके अंदर, क्या है मैं भी तो दिखूं, कुछ नहीं है। अच्छा देखो मान उसने क्या हाल कर दी, देखो पूरी ईट तोड़ दी, पूरी पूरी ईट तोड़ दी, पापा आ गए, पापा पापा सो गया, ये कौन है भाई, छोटे छोटे मुद्र, छोटे छोटे मुद्र, तेरे पैर धुलाऊं, चल तो छोटे छोटे मुद्र पैर धुलाऊं, चल तो ये देख कैसे गंदे हाथ कर दिए मेरे, देख देख क्या है ये, क्या है ये, पहुंच इसको मुंह, पहुंच मुंह, पहुंच मुंह, पहुंच जल्दी मुंह, पहुंच मुंह, पहुंच, चल तेरा मुंह धुलाऊं, चल तो ये पानी लेके मुंह धुलाऊं, एक पैर धुलाऊं, ले लेके ये पानी, बदतमीज होगी, बदतमीज बदतमीज, मैं जा रही हूं बाय, मैं जा रही हूं चुचु बाय, मैं जा रहा हूं ठीक है, तू ये फैला ले, मैं तो जा रही हूं बाय, अब मेरे पास मत आइयो तू कभी भी, बाय मैं जा रही, बाय आ रही है, आ रही है तो आजा, आजा आ रही हूं तो फिर आजा, हां आजा जल्दी आ रही हूं तो मैं तो जा रही फिर, बाय बाय, पांडा बोल के दबा, आजा नीचे नीचे आजा, मैं तो बाय चुन 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 बाय, आजा मम्मी देखो तुम्हें देख रही है, आजा 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 चुन चुन नीचे आजा, शेरनी बन गई दे तीन गई, बाय बाय चुन चुन, बाय चुन चुन, बाय, चलो 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 चलो, बाय बाय, जल्दी जल्दी रखे पक्के पक्के पक्के, क्यों दम कर रही थी, क्यों 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 दम कर रही थी, कहाँ कर रही थी, आप कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही तू, क्यों कहाँ जा रही तू, क्यों दम करेगी, करेगी दम करेगी, अब बोल बता करेगी, करेगी तुम, करेगी उधम, उधम करेगी, उधम करेगी, करेगी तुम, उधम करेगी, करेगी उधम, बोल करेगी, अच्छा मनाएगी मुझे है, मनाएगी मनाएगी मुझे, मनाएगी मुझे, नहीं मन तेरी बात अरे ठीक है ठीक है ठीक है, चल चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं करूंगी गुच्छा, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी ना गुच्छा, नहीं करूंगी आज 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 आजा गुस्सा नहीं करूंगी, आजा आजा चुन्ना बाई, आजा चुचुन क्या चाहिए भाई, ओ नारियल ले रही है, नारियल नया मत्ती हो ले 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 लो, नया से ले लो, ले ले नया से ले ले, ले ले दे दे नहीं दे दे नहीं तेरा नीचे कर ले, अब दियो नहीं है, पकड़ लिया पकड़ ली पकड़ ली, ले जा ले जा, चुचु नहीं फैलाओ नहीं बेटा, अभी मैंने साफ किया है फिर फैला दिया, देख लो ले 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 ले, दे दो ने दे दो, दे दो ने दे दो, दे दो ने दे दो, दे दो खराब है, दे दो उसको, खेलते रही वो, ले ले चुचु ले 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 जा, दे ले देखा बेड पे नहीं, चुन चुन बेड पे नहीं
मेरी चाय नहीं खिला देगी ये। चाय टाके बाहर रख दे खिड़की पे। भागो भागो लेके नारियल को, भागो भागो भागो। ले बिल्ली, बिल्ली तू ले जा। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो ये देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की बर्फ़ी। तो उसके लिए ले लिया मैंने बेसन, और बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। एक बार नहीं, दो बार, मैंने दो बार छाना, जिससे इसके अंदर पूरी गंदगी भी निकल जाएगी, छलनी में आ जाएगी। उसके बाद मैंने रख दी है यहाँ पर कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दूंगी मैं घी, कम से कम मैं डालूंगी आधा के जी समथिंग घी। तो हम कढ़ाई में घी क्यों डाल रहे हैं? हम कढ़ाई में घी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमने बेसन है जो छान के रखा हुआ है उसको हम इसमें रोस्ट करेंगे। तो कम से कम आधा केजी घी लेंगे जिसमें हम लोग बेसन को अच्छे से रोस्ट करेंगे, क्योंकि बेसन को रोस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा घी लगता है। अगर आप घी में भी करो, किसी में भी करो, लेकिन वो जो ऑयली चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है बेसन। तो इसलिए इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से रोस्ट करेंगे। और हमने अच्छे से रोस्ट करने के लिए हमको घी को अच्छे से गर्म करना है एकदम हाई फ्लेम पे। तो यहाँ हमारा जो घी था बहुत ही हाई फ्लेम पे गर्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जब हमने इसमें बेसन डाला है तो इसमें किस तरीके से बाबूले आ रहे हैं, मतलब किस तरह से बॉईल आ रहे हैं, इसमें झाग निकल रहा है। तो इस तरीके से पता चलता है कि हमारा जो घी था बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसको गर्म होने के बाद हम डाल देंगे इसमें बेसन। तो बेसन को एक साथ नहीं डालना है, एक एक, एक ऐसे धीरे धीरे करके पूरा इकट्ठा करके डाल देना है, बट धीरे धीरे करके डालना है। तो यहाँ धीरे धीरे करके एक एक चम्मच लेके मैंने बेसन को डाल दिया, उसको चलाते रहना है। तो जब तक हमको इस बेसन को रोस्ट करना है, जब तक इसका कलर बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, मतलब इसके दो कलर चेंज होंगे बेसन के। येलो से ये पहले तो थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसके बाद डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बेसन हो चुका है डार्क ब्राउन रोस्ट करने के बाद। उसके बाद ये रोस्ट करने का थोड़ा सा ठंडा करूँगी इसको, और हाथों से अच्छे से मैश करूँगी, जिसमें जो भी गुठले टाइप के हैं वो निकल जाएंगे। फिर रख दिया मैंने, फिर से कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया मैंने एक ग्लास पानी, यानी बड़ा वाला ग्लास, यानी आधा केजी से थोड़ा सा कम पानी डाला है मैंने। और यहाँ मैं डाल दूंगी कम से कम 1 केजी चीनी, यानी 1 किलो चीनी मैं इसमें डाल दूंगी। ये समझ लीजिए कि 1 ग्लास पानी में हमको 1 किलो चीनी डालना है, यानी 1 केजी चीनी डालने हैं, तभी इसकी चाशनी बनेगी। अब हम इसकी क्या बनाने वाले हैं? चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमको 1 ग्लास पानी लेना है, और साथ में हमको लेना है 1 केजी चीनी। अब चीनी के अंदर जो गंदगी होगी वो चाशनी के ऊपर आ जाएगी, तो उसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे, जिससे जो भी गंदगी है ना वो बाहर निकल आएगी। तो गंदगी निकालने के बाद यह हमारी चाशनी का ये फाइनल लुक हो चुका है। इसमें मैंने डाल दी है इलायची कूटने के बाद, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद ये ले लिया मैंने फूड कलर, ये काफ़ी अच्छा फूड कलर है और कोई ख़राब नहीं तो होता। उसके बाद मैंने फूड कलर को ले लिया एक कटोरी में, बाउल में, उसमें डाल लूँगी 1 स्पून पानी, और इसका घोल बनाने के बाद मैं डाल दूँगी चाशनी के अंदर। तो ये देखिए हमारी चाशनी का कलर हो चुका है बिल्कुल चेंज। तो चाशनी बनके हो चुकी है रेडी, हमने निकाल ली। जब तक आ गया था भाई, तो भाई ने बोला लाओ मैं करता हूँ। तो उसके बाद भाई ने लिया था सारा बेसन, लेके चाशनी के अंदर डाल दिया है, और इसको अच्छे से चलाता जाएगा, वो अच्छे से मैथेगा, जिससे क्या होगा इसके अंदर जितने भी लम्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो चाशनी के अंदर बेसन डालने के बाद हमको इस तरीके से ही चलाना है, और स्पीड में चलाना है, जिससे क्या इसके अंदर जो भी लम्स होंगे ना वो निकल जाएंगे। उसके बाद हमने ले लिया एक प्लेट, दो प्लेट उसमें लगा दिए घी, और ये जो पेस्ट बन चुका है उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और अच्छे से फैला के। तो 10 मिनट तक हमको रख दी थी, उसके बाद 10 मिनट के बाद देखिए हम लोगों ने इसको काट लिया है, क्योंकि हमारी जो बर्फ़ी थी, यानी बेसन की जो बर्फ़ी थी, मिठाई थी, वो बन चुकी है। 10 मिनट के बाद हम लोग इस तरीके से इसको काट लेंगे। तो ये भाई ने इसको काटना शुरू कर दिया है, और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा यमी होती है। तो मेरी ना सभी स्वीट्स में से ना सबसे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट ये स्वीट है, और मेरी चाचा जी भी हैं, उनको बिना बेसन की बर्फ़ी बहुत पसंद है, बट वो नहीं खा सकते क्योंकि उनको डायबिटीज़ है इसलिए। तो यहाँ बेसन की बर्फ़ी बहुत अच्छे से बनके हो चुकी है रेडी। अब इनको एक कंटेनर में अच्छे से भर के रख देंगे, जैसे चींटी वगैरह ना हो जाए, और ना जैसे बनने के बाद ना मैंने 2-3 तो खा ही ली थी, क्योंकि मुझे ना बेसन की बर्फ़ी बहुत नहीं बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ना मैं ना, और ये स्पेशली ना मेरी और पापा के डिमांड पे बर्फ़ी बनाई गई है,
मतलब मैंने अब मैंने पापा का बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि बेसन की बर्फी बनाई बननी चाहिए, इसलिए। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, और आप लोगों को मेरे बेसन की बर्फी की रेसिपी पसंद आई हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरे छिंचों की मस्ती पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और बेल आइकन दबाए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं हम लोग कल, जब तक के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव।